शो मुझसे शादी करोगे पहले दिन से ही दर्शकों को काफी एंटरटेन कर रहा है। और आपको बता दें कि आपको इस शो से हमेशा ही अपडेट रखने के लिए हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं टॉप 5 न्यूज। जी हाँ, टॉप 5 खबरें जहां पर हम जानेंगे कि आखिर शो मुझसे शादी करोगे के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ खास होगा या फिर शो में क्या कुछ खास हो सकता है। इससे जुड़ी और भी कई तरीके की खबरें जानेंगे जो की होंगी टॉप 5 खबरें। और हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं टॉप 5 खबरें, लेकिन इस बार ये खबरें जुड़ी हुई हैं शो मुझसे शादी करोगे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शो मुझसे शादी करोगे से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि शो में एंट्री हुई है जय माही की। जी हाँ, जय माही यहाँ पर अपने दोस्त पारस छाबरा और शहनाज गिल की मदद करने के लिए पहुँचे हैं उनका पार्टनर ढूंढने में, जहाँ पर वो उनकी राय भी जानते हुए नजर आते हैं, उनके पार्टनर के बारे में एंड इवन कंटेंडर्स को कुछ मजेदार टास्क भी देते हुए नजर आए। नंबर 2, शहनाज गिल ने आखिर बता ही दिया है कि उन्हें किस तरीके का लड़का चाहिए। जब जय भानुशाली और माही ने उनसे पूछा कि कैसा लड़का चाहिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को, तो शहनाज ने बिल्कुल ऐसा ही बताया जैसे कि सिद्धार्थ शुक्लम। उन्होंने कहा कि उच्चा लंबा कद हो, हट्टा कट्टा हो, डोले शोले हो, रंग थोड़ा दबा हुआ हो, मतलब एटीट्यूड भर भर के हो। उनका इस तरीके से बोलना सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि घर के अंदर उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी ही थी। और शहनाज गिल काफी अटैच्ड भी थी उनसे और कई बार इस बात का खुलासा भी कर चुकी है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से प्यार करती हैं और उनके साथ हमेशा रहना चाहती हैं। नंबर 3, शहनाज गिल के दोस्त और मुझसे शादी करोगे में शहनाज गिल से शादी करने की इच्छा लेकर आए रोहनप्रीत शहनाज गिल को किस करते हुए नजर आए। जी हाँ, रियल में नहीं, फोन को। दरअसल एक टास्क के दौरान शहनाज गिल फोन पर ऑर्डर देती हुई नजर आती है रोहनप्रीत को खाना बनाने को लेकर, जहाँ पर वो उन्हें सैंडविच बनाने को कहती है और रोहनप्रीत इस दौरान उन्हें डार्लिंग और बेबी कहते हैं। तो शहनाज कहती है कि बेबी वर्ड अच्छा लगता है और वो उन्हें लगातार डार्लिंग कहते हुए नजर आते हैं। शहनाज कहती हुई नजर आते कि मैं हूँ ही स्पाइसी, तो स्पाइसी बनाना और हाँ अब बुग्गी तो देता जा। और फिर रोहनप्रीत उन्हें फोन पर ही किस करते हुए नजर आते हैं एंड देन खुशी में झूमते हुए उनके लिए सैंडविच बनाते हुए दिखते हैं। नंबर 4, जय भानुशाली और घरवाले मिलकर मयंक अग्निहोत्री का मजाक बनाते हुए नजर आए। जी हाँ, दरअसल शहनाज गिल ने मयंक को डोसा बनाने का ऑर्डर दिया और उन्होंने बेचारे ने बड़ी मेहनत के साथ उनके लिए डोसा बनाया, लेकिन बाकी कंटेंडर्स और जय भानुशाली उनके खाने की यहाँ पर खूब बेइज्जती करते हुए नजर आए कि केचप ले और सॉरी लिख दे यहाँ पर। जय भानुशाली तो ये भी कहते हुए नजर आए कि शहनाज तेरी मौत का सामान रेडी हो रहा है, ख्याल रखना अपना। एंड इवन वो ये कहते हुए नजर आए कि इसका काम पता कैसे चलता है कि ये ना लोगों को पहले से खाना खिलाता है और जब उनका पेट खराब हो जाता है तो बोलता है कि दवाई भी मैं ही दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर बलराज तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि 2-3 प्लेट्स का खाना बचा हुआ है वो एक प्लेट में सर्व कर दिया है और इस तरीके से उनके खाने का खूब मजाक उड़ाया जाता है। नंबर 5, पारस छाबरा को इम्प्रेस करने के लिए संजना गलरानी पहुंची है, लेकिन अब संजना गलरानी को लेकर पारस छाबरा का क्या कहना है वो हाल ही में पता चला। पारस छाबरा का कहना है वो प्रिटेंड तो करती है कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, उसका और मेरा मेंटल लेवल मैच नहीं करता है। वो पता है प्रिटेंड करती है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन माइंड में उसके कुछ और ही सेट होता है एंड दिस इज द थिंग दैट आई रियली डोंट लाइक। तो दोस्तों, ये थी शो मुझसे शादी करोगे से जुड़ी टॉप 5 खबरें और आपको हम लगातार ऐसी ही 5 खबरों से अपडेट करते रहेंगे इस शो से जुड़ी कई मजेदार खबरों के साथ। तो इसी तरीके से इस शो से जुड़ी सभी खबरें, हाइलाइट्स और टॉप 5 और सारी अपडेट्स यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।